अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू ग्लैमर बॉय। होप यू आर डूइंग वेल। तो जल्दी से वीडियो की तरफ चलते हैं क्योंकि आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो, जो कि है नो मेकअप मेकअप लुक। मतलब कैसे आप नो मेकअप मेकअप लुक अचीव कर सकते हैं, जैसे कि ये सेलिब्रिटीज़ ने कुछ किया हुआ है और इसमें इंसान इतना फ्रेश लगता है और बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमने मेकअप किया हुआ है। बहुत ही अच्छा है ये तरीका, जो कि मैं हमेशा कर रही हूँ आजकल, मेरा फेवरेट हुआ हुआ है ये। तो मैंने बोला कि चलो आपके साथ भी शेयर किया जाए ताकि आप लोगों को भी ये करना आ जाए और आप भी बहुत ज़्यादा अच्छे और कूल लगें और बगैर मेकअप वाले लगें, जैसे कि आपने मेकअप नहीं किया लेकिन आपने तो मेकअप किया हुआ है। तो इसके लिए हमें सबसे पहली चीज़ चाहिए, वो है कंसीलर। ठीक है, कंसीलर यहाँ पर मैं फेस सेट का ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो फिटमी का भी यूज़ कर सकते हैं, हाई एंड में फिटमी का बहुत बेहतरीन है, लेकिन ये मैं रीज़नेबल प्राइस की वीडियो बना रही हूँ तो इसमें फेस सेट का ही ठीक है। और फेस सेट का कंसीलर सच में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कवरेज देता है। अगर आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा भी हैं ना तो भी ये छुपा देगा। और ना इसका शेड मेरे पास ये वाला है, आपको जो नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। उसके बाद मैं ले रही हूँ आईब्रो पेंसिल, भी आप यूज़ कर सकते हैं या आप आईब्रो जेल जो भी यूज़ करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक अदद मस्कारा, मस्कारा बॉब का बहुत ही बेहतरीन मस्कारा है। आप बोल रहे होंगे कि पहले इसने मस्कारा वाली वीडियो पे बताया था कि बॉब का मस्कारा बहुत चिपचिप करता है, लेकिन बॉब का मस्कारा वो मेरे पास फेक आ गया था जब मैंने उसका ओरिजिनल ख़रीदा है, क्योंकि कभी कभी आपको नहीं पता लगता ना फेक और ओरिजिनल प्रोडक्ट के बीच में, तो मैंने फेक ख़रीद लिया था। दैट्स वाई वो बहुत चिपचिपा था और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। लेकिन ये वाला मस्कारा जो ओरिजिनल है, ये आपकी लैशेस को इतने अच्छे से लिफ्ट अप कर देता है, मैंने इससे अच्छा मस्कारा नहीं देखा। इससे इसके अलावा क्लेजोना का मस्कारा भी बहुत अच्छा, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें टिंट लगाना है, लिप चीक टिंट। अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्लश भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास नहीं है तो क्यों नहीं है भाई, बना लें। सामने वीडियो का आई बटन है, इसको क्लिक करें और ये वाला बनाना सीख लें और फिर आप बना सकते हैं यही टिंट जो हमारे पास है। और इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है और बहुत ही आसान है और ये बिल्कुल ही बहुत अच्छा टिंट है और काफ़ी टाइम तक चल जाता है। मैं कब से इसको यूज़ कर रही हूँ, इसका कोई नुकसान नहीं है। और जो भी चीज़ मैं खुद टेस्ट करती हूँ उसके बाद ही आपको बताती हूँ, ऐसे तो कुछ भी नहीं बताती। उसके बाद मैं इस मेकअप चार प्रोडक्ट्स ले आए मैंने। उसके बाद मैं इसमें लिपस्टिक ऐड करी क्योंकि मुझे चाहिए वो कोरियन टाइप लिप्स जो ऐसे नज़र आते हैं, कुछ आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी। इस टाइप के कोरियन लिप्स अचीव करने के लिए आपको करना क्या, आपको सबसे पहले लगानी है कुछ न्यूड कलर की लिपस्टिक, वो मैं आपको आगे बताती हूँ, थोड़ा उसके लिए वेट। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ना आईब्रो पेंसिल कौन सी यूज़ करनी है। आईब्रो पेंसिल अगर आपकी आईब्रोज जितनी भी डार्क है ना, भले जितनी भी डार्क हो अगर आपकी आईब्रोज, तो आपने क्या करना है, आईब्रो पेंसिल सिर्फ आपने वही यूज़ करनी है जो ब्राउन कलर में हो और ब्राउन टोन्स में हो। और अगर आप चाहें उसको कॉम्प्लीमेंट देना चाहें और आप चाहें कि आपकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा अच्छी लगे और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ना मतलब सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड लुक करना चाहते हैं कि बहुत ग्रूम इन लगे और लगे नहीं कि भाई आपने काली पेंसिल ली और घसीड ली आईब्रो पे, तो वो बहुत ज़्यादा ना अजीब बुरा सा लगता है। तो अगर आप ये लुक करना चाहते हैं तो आप ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल ले सकते हैं और आप ब्राउन कलर की आईब्रो जेल भी ले लें। मतलब इतनी ज़्यादा लाइट ब्राउन नहीं लीजिएगा कि बहुत अजीब लगे, बस ठीक टाइप की लीजिएगा। उसके बाद मैं अब आपको ये कंसीलर टेस्ट करके दिखा रही हूँ कि ये कंसीलर कितना ज़्यादा हाई कवरेज है और इसकी बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी है। तो अगर आपके पास कंसीलर नहीं हो तो जिस बेस की काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी हो, बेस यानी लिक्विड बेस हो, ठीक है, वो भी आप इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यही सारे प्रोडक्ट्स हों, आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं आप उससे ये मेकअप कर सकते हैं। मतलब ये है कि ये एक ऐसा मेकअप लुक है जो आपको किसी भी महंगे प्रोडक्ट्स या कोई बहुत ज़्यादा फैंसी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, आप इसको किसी भी प्रोडक्ट से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको बस मेकअप करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब हम लगाएंगे मस्कारा, जो कि मैं आपको हाथ पे नहीं लगा के दिखा सकती। उसके बाद हम लगाएंगे आईब्रोज अपनी फिल करेंगे और फिर हमने लगानी है लिपस्टिक और लिप चीक टिंट। अब ये वाला जो चीक टिंट मैंने बनाया है ना, तो ये अगर आप लगाना चाहते हैं तो सबसे मैं आपको बेहतरीन तरीका बताती हूँ लिप चीक टिंट लगाने का। कितना भी आप महंगे से महंगा लिप चीक टिंट ले लें या सस्ते से सस्ता ले लें या खुद बना लें, वो स्टेन छोड़ता है। अगर आप उसको एक जगह पे पैक कर दें फिर वो स्टेन छोड़ देता है, लेकिन अगर आप उसको ब्रश से लगाएं तो वो बिल्कुल भी स्टेन नहीं छोड़ता। और आपको अपनी स्किन को पहले से मॉइस्चराइज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हमें ये वाले टाइप के लिप्स चाहिए, कोरियन टाइप के लिप्स चाहिए, तो हमें लगानी होगी पूरे के पूरे लिप्स पर न्यूड लिपस्टिक, यानी लाइट कलर की, बिल्कुल लाइटेस्ट शेड होगा पिंक का, उसकी हमें लिपस्टिक लगानी है। जैसे कि ये वाला शेड है मेरे पास, इनके मैं शेड्स नहीं बता रही क्योंकि ये लिपस्टिक्स मैंने लोकल
लोकल मार्केट से खरीदी थी और मतलब ये बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल तो होती हैं लेकिन ये लिप्स के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन अगर आप चाहें तो कोई भी लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास यही न्यूड लिपस्टिक्स हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा न्यूड लिपस्टिक्स नहीं हैं तो मैं फ़िलहाल इनको यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हमें बीच में लगानी है सेंटर में कोई भी रेड कलर की लिपस्टिक, या फिर आप ये लिप चीक टिंट भी थोड़ा सा लेकर ना सेंटर में लिप्स के लगा सकते हैं और ऐसे करके अपनी फिंगर को यूं करके टैप करें और अपने लिप्स के ऊपर लगा लें। तो इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार से किस्म के आपके लिप्स तैयार हो जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा ना मतलब ऐसे लगेंगे कि आपने बहुत फैंसी मेकअप किया हुआ है, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा क्यूट हैं और आपकी बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप खूबसूरत हैं भी तो आपको सेल्फ़ ग्रूमिंग की ज़रूरत होती ही होती है। तो आप अपने आप को सेल्फ़ ग्रूम करते रहा करें, इससे आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, भले उसकी स्किन काली हो या गोरी हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इंसान को अपने आप को नीट रखना चाहिए और अपने आप को अच्छा रखना चाहिए। मेकअप करना कोई ये बात नहीं है कि मतलब अगर आप चाहते हैं मेकअप करना, अगर आपको पसंद है तो आप मेकअप करें, लेकिन अपने आप को गोरा करने के लिए मेकअप ना करें, अपने बस फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए मेकअप करें, ठीक है। तो ये टिंट मैंने आपको लगा के दिखाया है कि ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है और कितना ही सॉफ्ट आता है इसका लुक। तो आप इसको आराम से बिल्डअप कर सकते हैं, मतलब एकदम से नहीं, ज़्यादा नहीं लग जाता, मतलब आप आराम आराम से इसको बिल्डअप करें और बहुत अच्छा लगता है, बहुत रोज़ी सा पिंकी सा इफेक्ट आता है और आप बहुत ज़्यादा ना मतलब बहुत प्यारे लगेंगे इस मेकअप को करने के बाद। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब।